बचपन में एक दिन खेलते खेलते राम जी माँ कैकेयी की आंखों को पीछे से ऐसे बंद कर लिए। अब पूछे माँ कौन है। माँ कैकेयी मैया सोचने लगी कौन ऐसा कर सकता है। बोली लक्ष्मण हो ना। राम जी हाथ हटा के बोले माँ तू हार गई, मैं राम हूं। माँ ने राम जी को गोद में बिठाया, कहा मेरे लल्ला ने मुझे हरा दिया, राम मांगो क्या चाहिए। राम जी ने कहा कि माँ जो मांगूंगा दोगी। कैकेयी माँ ने कहा संशय है क्या राम, पुत्र प्राण मांग लोगे ना, प्राण निकाल के रख दूंगी सामने, मांग कर तो देखो। राम जी ने कहा मां आप मैं प्राण नहीं मांगूंगा, प्राण मांगूंगा तो आप मर जाओगी, लेकिन मैं जो मांगने वाला हूं मां उसमें मरोगी तो नहीं तुम, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुम्हारा मुख नहीं देखेगा, लोग तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, सबकी नजरों से गिर जाओगी। माँ कह कही सुनती रही सुनती रही। अंत में माँ ने कहा राम सबकी नजरों से तो गिर जाऊंगी, क्या तुम्हारी नजरों में भी गिर जाऊंगी मैं। राम जी बोले नहीं माँ, मेरी नजर में मेरी माँ सदैव महान बनी रहेगी, मेरी नजर से आप नहीं गिर सकते। तब कह कही माँ ने कहा राम संसार की नजर की परवाह ही किसको है, यदि आपकी नजरों में मैं महान हूं तो वचन देती हूं पुत्र जो मांगोगी दूंगा दूंगी। राम जी ने कहा मां पिताजी जिस समय मुझे राजा बनाने की तैयारी करें किसी भी प्रकार से मुझे बन की ओर भेज दें, जब तक मैं बन नहीं जाऊंगा मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। भगवान के इस वचन के लिए मेरी मां ने वर मांगे। और याद रखिएगा भगवान जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, भगवान जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं अपनी लीला में उसी को सबसे कठोर रोल देते हैं अदा करने के लिए। ये भगवान का स्वभाव है। क्यों? विश्वास है कि ये कुछ कहेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। नारद जी ने जब भगवान को शाप दिया कि मनुष्य बनिए बानर सहायता करेंगे रोना पड़ेगा, माया बोल रही थी सिर पे चढ़कर, भगवान ने नारद जी के सिर से माया खींची, नारद जी रोने लगे प्रभु मैंने श्राप दिया आपको, मृषा हो हूं मम श्राप कृपाला, प्रभु मेरे श्राप झूठे हो जाए। भगवान बोले असंभव, आप नारद हैं। नारद कौन? जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो वो नारद है, आपकी बात झूठी कैसे हो जाएगी। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने श्राप दिया है। भगवान बोले नहीं आपने दिया नहीं है, आपसे मैंने लिया है, ये मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दीजिए। नारद जी बोले मैं ही मिला था इसके लिए। भगवान बोले नारद जी मुझे आप पर विश्वास था कि मैं जैसा चाहूंगा आप करेंगे, इसलिए मैंने आपको चुना। ये प्रसंग कहता है कि भगवान जिस पर सर्वाधिक विश्वास करते हैं, जिसको सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उसको सबसे कठिन रोल देते हैं, और वही रोल मेरे प्रभु ने मेरी माँ कैकेयी को दे दिया है। इसलिए भूल कर भी जीवन में माँ कैकेयी के विषय में अपशब्द न कहिएगा, ये भगवत अपराध होगा। आपको बताऊं माँ ने जब वरदान मांगा महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, बिंडाल हो गए। जिस प्रकार वृद्ध गजराज के सामने जब सिंह आकर दहाड़ता है, गजराज के शरीर में बल नहीं रहता है क्योंकि वृद्ध हो चुका है, वो सिंह से लड़ नहीं सकता है, तो जिस प्रकार युवा सिंह की दहाड़ को सुनकर वृद्ध गजराज कांप जाता है, मेरी मां के बातों को सुनकर महाराज कांप गए। बिजली गिरने के बाद जैसे तार धरा पर गिरता है धराशाही होकर, महाराज कोप भवन में खड़े खड़े गिर पड़े, अपने हाथ से केश को पकड़ के नोचने लगे। बोले कह कही
शिव की सौगंध लेकर कहता हूं, राम और लक्ष्मण मेरे, राम और भरत दोनों मेरे नेत्र हैं। आप चाहती हो कि राम के स्थान पर भरत को राजा बना दूं? कुछ दिनों की बात है, बुलाकर तुम्हारे सामने राजा बनाऊंगा। दुख तो इस बात का है कि तुमने जो दूसरा वर मांगा है ना, उस वर ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। कहते मेरी मां जानबूझकर कठोर हुई है। महाराज रात भर उसी कोप भवन में पड़े रहे। जिस प्रकार किसी पक्षी के दोनों पंख काट दीजिए, पंख ना हो, किसी व्यक्ति के दोनों पांव कट जाएं, वो कमरे में बैठा है, उस कमरे में आग लग जाए, वो भागना चाहे भाग ना पाए, उसी मनोदशा में चक्रवर्ती जी हैं। मां के दो वचनों ने महाराज के मनोरथ रूपी पक्षी के दोनों पंखों को काट चुके हैं। महाराज कोप भवन में पड़े हैं, राम राम कहते हैं और मन ही मन कहते हैं, हे सूर्य नारायण, कल आइएगा मत आप। क्यों? आप आएंगे तो इस सूर्य वंश का सूर्य वंश को छोड़कर वन में चला जाएगा। आप मत आइएगा प्रभु। सवेरा भया सुमंत जी आए। कैकेयी मैया ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूं क्यों ऐसे पड़े हैं, राम राम रात भर किए हैं, राम को बुलाकर लाइए। अब आप दर्शन करिए, राम जी जब गए हैं तो जाने के समय राम जी ने कैकेयी जी को माता कहा। क्या कहा? मोहि कहू मा तु तात दुख कारण। किसी भी पराई स्त्री को सनातन धर्म में माता कह सकते हैं। परंतु जब राम जी सुने, कैकेयी जी ने सब बताया, मानो कहना चाहते हो कि राम जो तुम चाहते थे वो मैंने कर दिया तुम्हारे लिए। जब राम जी सुने कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है तो राम जी नाचने लगे। और वही राम जो आते समय माता कहते, वही राम अब जननी बोल पड़े। राम की जननी कौशल्या है, कैकेयी नहीं है। लेकिन राम जी कहना चाहते हैं, मां कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया था, आज 14 वर्ष का वनवास मांगकर कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है मां। राम जी कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो मुख आ
न मोही महता। राम जी कहते हैं, माँ सुनो जननी, हे जननी, सोई सुत बड़ भागी। वो संतान बड़ भागी है माँ, कौन? जे पितु मातु बचन अनुरागी। रघुनाथ जी कहते हैं, माँ जो संतान अपनी माँ बाप के वचन में प्रेम करे, चरण में नहीं, इसको समझिएगा, चरण में प्रेम करना बड़ा आसान है। सवेरे उठो पांव छूलो, रात को पांव छूलो, घर से बाहर जाओ पांव छूलो, अब बात एक भी ना मानो है? कितना सरल है वो। लेकिन वचन में प्रेम करने वाला संतान माता पिता के एक एक आज्ञा को अक्षरशः पालन करता है, ये वचन में प्रेम करना हुआ। और याद रखिएगा, जो वचन में प्रेम करेगा उसका चरण में प्रेम अपने आप दृढ़ हो जाएगा, अलग से करना नहीं पड़ेगा। राम जी कहते हैं, माँ जो संतान माता पिता के वचन में प्रेम करे वो बड़भागी पुत्र है। और माँ एक बात बोलू, माँ जो संतान अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे वो संतान संसार में दुर्लभ है। मां जिस संतान से उसके माता पिता संतुष्ट हो जाए वो संतान दुर्लभ है। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है। पहला सौभाग्य मां, चारों भाइयों में तो मैं पहले से बड़ा हूं। यदि मैं राजा बन जाता ना तो मैं भाइयों से और ऊपर उठ जाता, अब मेरे में और मेरे भाइयों की दूरी बढ़ जाती। माँ आप देखिए, मेरा प्राण प्रिय भरत राजा बनेगा, मेरा छोटा भाई भरत भी राजा बन के बड़ा हो जाएगा। यदि भरत राजा बनेगा माँ तो मैं राजा का बड़ा भाई हूँ, मैं ऐसे ही बड़ा बना रहूँगा, अब मेरे बड़े होने के साथ मेरा भरत भी बड़ा हो जाएगा। माँ कितनी अच्छी बात है, है? लेकिन माँ इतनी सी बात को लेकर पिताजी को इतना दुख हुआ है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है ना। अब दर्शन करिए, जो कैकेयी मैया राम जी को वन भेज रही हैं, राम जी उनसे कहते हैं, माँ कहीं मेरे से अपराध तो नहीं हुआ है? माँ कैकेयी बोली, राम अपराध करने की तुम्हारे भीतर पात्रता ही नहीं है, तुम अपराध जोग नहीं ताता, आप अपराध नहीं कर सकते हो। राम राम जी पिताजी से दंडवत करके हृदय से मिले, समझाए, पिताजी कुछ दिनों की बात है, यूं गया और चला आया। गए माँ कौशल्या के पास राम जी, माँ देखी तो नाचने लगी, राम जी माँ को बिठाए बगल में बैठकर बोले, माँ, और माँ बोली, नहाए नहीं हो राम, विलंब हो गया, पिताजी राह देख रहे होंगे तुम्हारी। राम जी बोले, माँ नहाता हूँ, पहले ये बताओ माँ, जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है, है? आप लोग कहिए, जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? माँ कौशल्या ने भी कहा कि राम जंगल बहुत बड़ा है। राम जी बोले, माँ मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? माँ ने कहा, तुम बड़े हो, लेकिन ये क्यों पूछ रहे हो राम? राम जी ने कहा, माँ पिताजी ने रात भर में धर्म का विचार कर लिया, मैं बड़ा बेटा हूं ना तो मुझे जंगल का बड़ा राजा बना दिया है, भरत छोटा है तो अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। अब यहां दर्शन करिए, राम जी ये नहीं बोलते कि मुझे वन भेजा गया है। जीवन की स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, यदि आपके मन की स्थिति भक्त की है तो आप विपत्ति में भी संपत्ति दर्शन करने की शक्ति रखते हैं। विपत्ति में भी संपत्ति दिखाई पड़ेगी, कब? जब ये ठीक होगी आपकी, तब। राम जी कहते, माँ पिता दीन मोहि कानन राजू,
जहाँ सब भात मोर बड़का मेरी आवश्यकता है माँ। कौशल्या मैया ने कहा राम, एक संतान के जीवन में उसका सबसे बड़ा धर्म है कि वो पिता की आज्ञा का पालन करे। पितु आ यसु सब धर्म का, समस्त धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है जीवन में पिता आज्ञा का पालन किया जाए। लेकिन राम एक बात मैं बोलती हूं, मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। राम यदि केवल पिताजी बन जाने के लिए कहे हो ना, मैं कहती हूं तुम बन नहीं जाओगे, नहीं जाना बन। लेकिन राम यदि पिताजी के साथ साथ मां कहे कहीं भी बन जाने के लिए कह दी है ना, तो राम मां की बात मानकर अवश्य वन में चले जाना। पुत्र मां की बात मानकर वन में जाओगे तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा और तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। किसने कहा? राम की जननी मां कौशल्या ने कहा। इतना सर्वश्रेष्ठ विचार था मां कौशल्या का, तब जाकर अंक में परमात्मा ने अवतार लिया। ऐसे नहीं हुआ है। सीता मैया चली आई, राम जी ने अनेक समझाया, वन बड़ा कष्टदायक है। मां ने मना किया, कहा प्रभु आप छोड़कर जाएंगे तो अयोध्या वन से बिहड़ हो जाएगा, आपके साथ वन ही अयोध्या जैसा बना रहेगा नाथ। प्रभु ने साथ चलने के लिए कह दिया। इतने में लक्ष्मण जी चले आए, और आप संस्कार का दर्शन करिए, लक्ष्मण जी आए प्रणाम करके बैठ गए। मन में सोचने लगे न जाने क्या होगा, भैया साथ में रखेंगे कि ले चलेंगे। तब तक राम जी ने कहा भाई पिताजी दुखी हैं, वृद्ध हो गए हैं, मैं जा रहा हूं, भरत भी नहीं है, आप यहीं रखो और अयोध्या के रख रखाव का ध्यान रखो। लक्ष्मण जी बोले कौन पिताजी, कौन पिताजी? राम जी बोले हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी बोले आपके होंगे, मेरे नहीं है। राम जी बोले तुम्हारे कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कड़कते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारे
सितारे सितारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही पुष्प बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते सिंधु सागर की धारा तुम्हें हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मोरे सबुई एक तुम, मैं आपको छोड़कर प्रभु किसी को नहीं जानता। राम जी ने कहा चलिए मां से विदा मांग कर लाइए। सुमित्रा मैया से लक्ष्मण जी विदा मांग कर आए और प्रातः काल सजी बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंद विप्रगुर चरण प्रभु चले करी सब ही अचे। मां जानकी भैया लक्ष्मण के साथ प्रभु वनवासी रूप धारण करके पिताश्री को दंडवत प्रणाम करके चले गुरुदेव भगवान के आश्रम में गए। उनको प्रणाम करके भगवान ने ब्राह्मणों को वर्षासन दिया है, याचकों को दान देकर संतुष्ट किया है और गौरी गणपति शंकर भगवान का स्मरण करके बाबा चले हैं। चक्रवर्ती जी ने सुमंत जी से कहा कि रथ लेकर जाओ, रथ पर बिठाकर चार दिन वन दिखा कर ले आना, यदि राम चार दिन में न लौटे तो सीता को लेकर आना किसी भी प्रकार। सुमंत जी रथ लेकर गए, भगवान रथ पर बैठे, पूरी अयोध्या भगवान के पीछे दौड़ने लगी। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ है। रात्रि में भगवान सोचे अयोध्यावासी यदि इसी प्रकार मेरे पीछे दौड़ेंगे तो पिताजी के वचन का निर्वहन कैसे करूंगा। माया शक्ति को प्रेरित करके भगवान ने पूरी अयोध्यावासियों को गहरी निद्रा में सुला दिया रात्रि में और रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर भगवान चले। दूसरे दिन तीसरे पहर में सीता सचिव सहित दो भाई सिंहवेरपुर पहुँचे जाए। सीता
उतरे राम देव सर देखी किन्ह दंडवत हर सभी से खे उतरे राम देव सर देखी किन्ह दंडवत हर सभी से खे फिर लखन सचिव सिया किए प्रणामा सबही सहित सुख पाय रामा लखन सचिव सिया किए प्रणामा सबही सहित सुख पाय गोस्वामी जी कहते हैं भगवान चले दिन के तीसरे पहर में प्रभु सिंहवीरपुर में गंगा जी के तट पे पहुंचे। गंगा जी को देखते भगवान रथ से उतरे और दंडवत किए हैं। हम और आप भी गंगा जी के तट पर ही बैठे हैं। कहा गया है कि 100 योजन दूर भी यदि गंगा जी स्थित हो, 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर दूर गंगा जी हो, इतनी दूरी से भी यदि कोई गंगा जी के नाम का स्मरण करके जयकारा लगा ले, उसे तत्क्षण गंगा जी में स्नान करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो हम लोग तो 100 योजन के रेंज में है ही हैं यहाँ पर। तो आइए इस पंडाल में बैठे बैठे एक बार गंगा जी में डुबकी लगाया जाए। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी तक पहुंचा होगा, गोदौलियों ना पहुंचल होई। बोलिए गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती फतेह हारा हारा महा